तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अंबार का अचार बनाने की विधि बताने जा रहे हैं। आप लोग देखिए कि अंबार का अचार कैसा बनता है। कम तेल में और चटपटा सालों साल तक टिकेगा। इसके लिए हमने अंबार को काट के सुखा लिया है, एक धूप लग गया है। उसके बाद उसमें हल्दी और नमक मिला के रख देंगे रात भर के लिए। रात भर इसे ढक के रख देंगे, रात भर रखा रहेगा। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है बस, और नमक अंदाज से डालना है कि पूरे में मिल जाए, क्योंकि हल्का सा इसका जो कड़ा छिलका रहता है गल जाए, और नमक और हल्दी अच्छे से भिन जाता है तो अंदर वो हो जाता है, थोड़ा मुलायम भी हो जाता है। अब इसको हमको धूप में डालना है। इसको हमने थाली में निकाल के रख दिया है धूप में, दो थाली में करके रख दिया है कि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि कपड़े उपड़े पे रखने पे इसका रस्सा जो है उस पे लग जाता है, कपड़ा भी ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने थाली पे रख दिया है, क्योंकि बरसात का सीज़न है, तुरंत अंदर कर देना पड़ता है। अब एक धूप इसमें लग जाएगा। अब एक धूप लग गया है, इसको हम उठा लाए हैं, भगोने में डाल लिए हैं। हल्दी धूप में उड़ जाती है, इसलिए इसका रंग हल्का हो गया है। अब जा रहे हैं अचार बनाने। इसके लिए इसमें नमक डाले हैं, थोड़ा सा और नमक डालेंगे इसमें हम, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं मिलाएंगे। पहले से इसमें हमने थोड़ा सा मसाला, ये लाल कुटा हुआ मिर्च है, बहुत महीन नहीं है, लाल कुटा हुआ मिर्च है, सौंफ है, मंगरेल है, इसे मिला हुआ है, और थोड़ा सा जीरा बस, और ज़्यादा कुछ मसाला इसमें नहीं मिलाएंगे। उसके बाद ये हींग डाल दिए हैं, क्योंकि हींग से चटपटा स्वाद आ जाता है। अब तेल मिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल नहीं मिलाना है, बस इतना डालना है कि अच्छे से सब मसल जाए और थोड़ा सा ऊपर से पड़ जाए बस। अब इसको मिला लेंगे। खूब अच्छे से मिल जाए, ताकि जब मिला रहता है तो ख़राब नहीं होता है, नहीं तो फफूंद जल्दी पकड़ता है, ख़राब होने का डर रहता है। अभी हो गया। अब इसको हम जो है जार में भर देंगे। जार हमने साफ करके रखा है, शीशे का बर्तन, जहाँ तक हो सके प्लास्टिक के बर्तन में अचार को मत रखिए, कोई भी अचार, क्योंकि खट्टा रहता है, एसिड बनाता है, वो नुकसान भी करता है। हमेशा अचार को शीशे के वर्तमान में रखना चाहिए। अब इसको हम उसमें शीशे के वर्तमान में भर रहे हैं। ये खट्टा बहुत होता है, ये खेत से आया था, फिर हम चले गए थे दिल्ली बिटिया को इम्तहान दिलाने के लिए, उसका इंटरव्यू था, इसको फिर फ्रिज में रखवा दिए। कम से कम एक हफ्ता ये फ्रिज में रखा था, उसके बाद आए हैं तो काट के हम निकाला और बना देते हैं। अपने खेत का है, हम ही ने पेड़ लगाया था, तैयार हो गया है, हमने निकाला बना देते हैं, थोड़ा सा रहेगा। और हमने मोहल्ले में बांट दिया सबको, हमने कहा थोड़ा सा बना देते हैं। अभी हमने पूरा वर्तमान में भर दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि अभी गला नहीं है ना, नमक से गल जाएगा अंदर नीचे, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा था, उसको हमने दबा दबा के डाल दिया है, नमक डाल दिया है। नमक जब थोड़ा हल्का पर ज़्यादा पड़ा रहता है तो ख़राब नहीं होने का डर रहता। अभी आप सालों 4-6 दिन धूप में रग लगा करके उसके बाद अंदर रख दीजिए, सालों साल खाइए, यह अचार आपका ख़राब नहीं होगा। चटपटा अंबार का अचार बन के तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते।